चूँकि जैसे ही आपने जब एडमिशन लिया उस समय परिस्थितियाँ विपरीत थी और जो सत्र है वो काफ़ी लेट शुरू हुआ, पाठ्यक्रम से सही परिचित हुए नहीं हुए, फिर लॉकडाउन लग गया, कुछ क्लासें ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है, शायद आपको परेशानी हो रही होगी कि हमें क्या पढ़ना है और कितने तक पढ़ना है और क्या कितने तक अपने को तैयारी करनी है। कि आपका जो एडमिशन हुआ 2022 में और अब तक जो कितना पढ़ चुके हैं उसमें कितनी कमी रह गई, वो अपना स्वयं का भी मूल्यांकन कर लें ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो और ये इस पीरियड के अंदर आप को जो तैयारी करनी है वो घर पे बैठ करके किस प्रकार तैयारी करनी है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। और DGT की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से अपने को ये पाठ्यक्रम पूरा करना था 16-10-21 तक, जो अपने को ये फर्स्ट ईयर का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा करना है। हो सकता है आपके अक्टूबर में परीक्षाएँ आ जाएँ फर्स्ट ईयर की, तो अपन एक जनरली एक आइडिया सिलेबस का देखते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपके पास जो भी बुक है, हेल्प बुक है, उसमें आगे आगे पाठ्यक्रम दे के रखा हुआ है, उसकी पाठ योजना के अलावा आपको जो पाठ्यक्रम दे के रखा है, सिलेबस है, उसको अच्छी तरह देखना है कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। सिलेबस मूल रूप से वो वीक वाइज किया हुआ है, अपना ये ITI का जो सिलेबस है वो सप्ताह संख्या 1 से लेकर के और सप्ताह संख्या 25-26 तक जो है वो एक सेमेस्टर हो गया, 6 महीने का इतना पढ़ना था आपको, और उसके बाद फिर 27 से लेकर के और 52 सप्ताह तक का जो है वो एक साल पूरा हुआ। तो 52 सप्ताह जो है उसमें आपको कितना कितना पढ़ना था ये आप निगाह एक देख लेते हैं अपने कैसे करना है। और अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो अभी अपनों ने एक जो हमने टेंटेटिव एक शेड्यूल बनाया था, एक अस्थायी एक शेड्यूल बनाया था, उस अनुसार ये दूसरा सप्ताह मानते हैं अपन 4 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी, इस प्रकार से दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एक शेड्यूल आप इस प्रकार से बना लेवें तारीख वाइज। ये तो अपनों ने अनुमानित हमने बना रखा था, इस आधार पर अपन चलते हैं। तो ये 15-5-21 तक अपन जो है वो प्रथम सेमेस्टर मतलब 6 महीने का जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर इस आधार पर चला जाए तो अपन ये प्रथम सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा कर सकते हैं और इसके बाद तुरंत ही अपन अगला शुरू कर लेते हैं, अगला जो पाठ्यक्रम शुरू कर ले। तो सेमेस्टर सेकंड का जो पाठ्यक्रम अपन जैसे स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये शुरुआत करते हुए अगर वीक वाइज ऐसे बंटवारा कर लेते हैं तो अपना जो कैलेंडर जो है एज़ पर DGT का जो सर्कुलर है 3/2/21 को जो निकला था उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका जो सत्र है वो 16/10/21 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। तो 16/10/21 तक अगर अपने को पूर्ण करना है तो इस प्रकार से ये समय का जो बंटवारा करते हुए और टाइम टेबल बना लिया जाए तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये चीज़ तो देख ली हमने, ये टाइम टेबल तो बना दिया, ये हमने सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड का टाइम टेबल बना दिया। अब अपन देखते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या क्या है। तो प्रत्येक पुस्तक के आगे प्रथम सेमेस्टर मतलब 6 महीने बीत जाने के बाद, 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आप में इस तरह की जानकारी पूरी तरह आ जानी चाहिए कि सुरक्षित कार्य करने का अभ्यास आप में होना चाहिए। तो सुरक्षा के बारे में अच्छी तरह आपने पढ़ लिया, सर्किट डायग्राम को पढ़ने का जो आप में आइडिया है ही, वायर के तार को जॉइंट लगाना, सोल्डरिंग करना, क्रिम्पिंग टूल, इसके बारे में आपको जानकारी है, रेजिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं ये जानकारी हो गई, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट की विशेषताओं का सत्यापन करना, इतनी अगर जानकारी आपको हो जाती है तो आपका प्रथम सेमेस्टर मतलब 6 महीने का जो पाठ्यक्रम वो पूरा हो जाता है और आपका स्तर जो है वो NSQF लेवल में आपका 2 के अंतर्गत पहुंच जाता है। NSQF लेवल 5 की कैटेगरी में रखा है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये NSQF का पूरा नाम है, आपको वैसे पहले बता चुका हूँ मैं। तो इसमें जो स्किल है ख़ास तौर से ये स्किल आपके अंदर स्किल मतलब काम करने की दक्षता कितनी आती है, जैसे आपने एक कहावत है करत करत अभ्यास तो जड़मति हो तो सुजान, मतलब अभ्यास आपको लगातार करते रहना है, जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपके काम में एक दक्षता आ जाती है, तो उसे कहते हैं अपन स्किल। तो जैसे इसमें स्किल का जो लेवल 5 तक अपने को पहुंचना है तो उसके लिए लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 और 3 थोड़ा सा एक मोटा मोटा अपन चर्चा करते हैं कि लेवल 1 जो है आप एकदम अनजान है, छोटे मोटे मतलब औजारों के बारे में थोड़ा परिचय हो जाएगा तो लेवल 1 की कैटेगरी आप पार कर गए, मतलब लेवल 1 तक का आपका स्तर हो गया है कि आप औजार की पहचान कर सकते हैं, और दूसरा छोटे मोटे वायरिंग का अभ्यास आप कर सकते हैं तो लेवल 2 में आ जाते हैं। लेवल 3 जो है वहाँ तक कुछ
छोटे मोटे मशीनरी को टेस्टिंग करना, घरेलू उपकरण मरम्मत करना, तो वो लेवल 3 तक अपन पहुंच जाते हैं। तो ये लेवल 1, 2 और 3 जो है, 3 लेवल तक अपने को पहुंचना है। तो फर्स्ट ईयर का जो पाठ्यक्रम है, आप अच्छी तरह देखें कि फर्स्ट ईयर जो इलेक्ट्रिशियन का जो फर्स्ट ईयर का जो पाठ्यक्रम है उसमें 1, 2, 3 लेवल तक अपन पहुँच सकते हैं। ये इलेक्ट्रिशियन का फर्स्ट ईयर का जो पाठ्यक्रम है, फर्स्ट ईयर आप अच्छी तरह फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं और अपना लेवल जो है फिर आप चेक भी करना है और समय समय पे आपको स्किल की क्या क्या है आपको मालूम पड़ जाएगा। और चौथा और पांचवा लेवल जो सेकंड ईयर आप पूरा करते हैं, चौथे और पांचवा लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो अपना स्तर सुधारना है, लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आपको पहुँचना है, तो फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम पूरी तरह अच्छी तरह अपने को तैयार होना है। और इसके लिए कोई स्पेशल मेहनत, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको एक शेड्यूल बनाना है, एक अपना एक निश्चित टाइम टेबल बनाना है और हमें इस महीने के अंदर अपने कितना पढ़ना है, अगले महीने कितना पढ़ना है, महीने में जाएं, फिर तो उसके बाद सप्ताह तक आ जाएं, तो सप्ताह में, इस सप्ताह में हमें को ये चीज़ पढ़नी है, ये जो अपना पाठ्यक्रम बना रखा है उस आधार पर आपको चलना है। जैसे स्थिति आ गई है कि सेकेंड सेमेस्टर लगभग 6 महीने आपके हो चुके हैं, तो आप सेकेंड सेमेस्टर की तरफ बढ़ चुके हैं, तो इसका जो पाठ्यक्रम है ये भी आप देख ले। हमारा जो लक्ष्य है, आगामी 6 महीने का जो लक्ष्य है, आगामी 6 माह का जो लक्ष्य है सेमेस्टर सेकेंड के लिए, जो आपका लेवल बढ़ाना है, लेवल सेकेंड और थर्ड में पहुँचना है आपको, इस प्रकार से ये तैयार होना है कि बैटरियां और सोलर सेल का परिस्थापन, परीक्षण और अनुरक्षण आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको तैयार होना है। ये आपको पूर्व में एक मानसिकता आपको बना लेनी है कि आपको किस प्रकार से आगामी 6 महीने में इतना तैयार होना है, निकालेंगे, उसके बाद घरेलू उपकरण मरम्मत किस प्रकार से करेंगे, तो ये सारी चीज़ें, ट्रांसफार्मर को टेस्ट करना, निष्पादन, तो ये जो पाठ्यक्रम है आपका अगले 6 माह का है, जो अपने को अक्टूबर 21 तक, 16-10-21 तक आपको ये पूर्ण करना है। ये आप दिमाग में ये प्लानिंग कर लें, इस आधार पर अपनी तैयारी चाहे घर पे करें, चाहे जैसे ही आपका ITD संस्थान खुले उसमें जाते ही अपने को प्रैक्टिकल करना है और थ्योरी पहले से ही तैयार करके जावें ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए। अब आप कॉपी और पेन लेकर के ना अपना एक कैलेंडर बनाना शुरू कर दें, खुद एक कैलेंडर बनाना शुरू कर दें और डे बाय डे, भले ये एक दिन में एक टॉपिक हो कि 2 दिन में एक टॉपिक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 दिन भी लग जाए एक पार्ट के लिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना फास्ट चलना है। हो सकता है आप कुछ हल्के टॉपिक होंगे वो जल्दी क्लियर हो जाते हैं, कुछ बड़े टॉपिक है उसमें ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ती है, तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको जो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। अब जो समय निकल चुका है, 6 महीने निकल चुके हैं, इसके बारे में तो अपन चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आने वाला जो समय है नेक्स्ट 6 मंथ, जिसमें हमने ये शेड्यूल जो बना दिया है, मैक्सिमम इसमें कुछ ऐसे ही टॉपिक हैं जैसे घरेलू उपकरण मरम्मत। घरेलू उपकरण मरम्मत, अपने घर में ही कुछ ऐसे उपकरण हैं जिसकी मरम्मत करके अपन जो पाठ्यक्रम है वह पूरा कर सकते हैं, जैसे कि वीक नंबर 42, 43 और 44, सप्ताह संख्या 42, 43 और 44 पूरा घरेलू उपकरण मरम्मत से संबंधित पाठ्यक्रम है। आप थ्योरी के अंदर आप में जो इंटरेस्ट आए वो चैप्टर उठा के देखिए, आपको जैसे ही जो रुचि लगती हो, जिस अध्याय में आपको रुचि लगती है तो वो लेसन आप, वो टॉपिक उठा ले। मैं जैसे घरेलू उपकरण मरम्मत वाला जो पार्ट है वो उठा लिया, उसमें आपको लैब में लैब की आवश्यकता ही नहीं है, आप घर में ही अपने जो उपकरण है उसे देख करके, उसे कनेक्शन देख करके ना थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और थ्योरी इसके साथ साथ अपन देख ही रहे हैं तो थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनकी सहायता से आप घर पे बैठ करके ना आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो ये था आपको इलेक्ट्रिशियन के लिए मेरा गाइड करने का जो विचार था, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो मेरे ख्याल से आप अपना अब जो है पढ़ाई में रुचि वापस जागृत कर लेवें।